भारत अगले साल ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जा रहा है, 5 वनडे और 3 T20 की सीरीज खेलने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले मौजूद हैं। हर्षा जी, क्या लगता है आपको, आपने बहुत सारे मैचेस देखे हैं, लगातार 20 से 25 साल का लगता है अनुभव है, क्या लगता है इस बार ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम फाइट दे पाएगी? दे पाएगी। ऑस्ट्रेलिया मुश्किल होता है ऑस्ट्रेलिया जाके जीतना, क्योंकि माहौल बड़ा अलग होता है। लेकिन इस टीम को एक फ़ायदा है कि हाल में काफ़ी खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया प्लेयरों को अच्छी तरह से जानते हैं, और इस टीम में ऐसे बल्लेबाज हैं जो फास्ट बॉलिंग से पीछे नहीं हटते। तो उस लिहाज से देखा जाए तो टीम अच्छी बनी है। फास्ट बॉलर 3-4 अच्छे फास्ट बॉलर हैं, क्योंकि जैसे आज प्रोग्राम में कपिल देव वगैरह ने भी कहा कि अगर आप शुरू में विकेट ना लें तो मुश्किल होता है वहाँ जीतना। कभी कभी रुख कुछ बताता है आपको, स्टार्क नहीं है, जॉनसन नहीं है, स्टीव स्मिथ नहीं है, तो शायद वहाँ भी थोड़ी कठिनाई होगी। पहले एक दो मैच अहम होंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया में आप पीछे पड़ते हैं ना तो वापस आना मुश्किल होता है, तो पहले एक दो मैच अहम होंगे। लेकिन बात करें 2015 की, तो भारत ने एक भी सीरीज नहीं जीती है, वनडे सीरीज की अपने हाथों बात है। हाँ, तो क्या नहीं लगता, प्रेरणा होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए ना कि चलो 2016 कुछ अलग तरह से शुरुआत करते हैं। हाँ, 2015 में, लेकिन आप देखिए कहाँ कहाँ खेले, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले इंडिया में, जहाँ भी आप फ्लैट पिचेस पे खेलेंगे इंडिया का उतना नहीं रहेगा परफॉर्मेंस। जहाँ बॉलर्स के लिए कुछ हो वहाँ इंडिया जीतते हैं। वर्ल्ड कप में हम बड़े जल्दी भूल जाते हैं कि 7 मैच जीते थे आपने वर्ल्ड कप में, 6 या 7 लगातार मैच जीते थे, बस एक मैच हारी इंडिया वर्ल्ड कप में। हाँ, तो कभी कभी मुझे लगता है कि हमको एज अ कंट्री थोड़ा शौक है नेगेटिव साइड देखने का। तो इस टीम में है काबिलियत, लेकिन यह ना भूलो कि उस टीम में भी है, तो है चांस, देखना पड़ेगा कैसे खेलते हैं। सुरेश रैना टीम में नहीं, कैसा फैक्टर है? मुझे सुरेश रैना पसंद है, लेकिन सिलेक्टर ने शायद ये सोचा हो कि, क्योंकि मेरा देखने का ढंग, नजरिया थोड़ा पॉजिटिव सा होता है, शायद सिलेक्टर ने ये सोचा हो कि सुरेश रैना हमारे लिए वर्ल्ड टी ट्वेंटी जीतने के लिए बहुत अहम प्लेयर होने वाले हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस रहे बरकरार, टी ट्वेंटी खेलें, टी ट्वेंटी वो भारत के सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं, तो टी ट्वेंटी के लिए रखें उनको, इसमें यंगस्टर्स को ट्राई करें आगे चल के। मनीष पांडे ने आपको इंडिया ए में, आईपीएल में बड़े मैचेस जिताए हैं, रणजी फाइनल में रन बनते हैं, पिछले 2-3 सीजन से बड़े रन बने हैं उनके, तो उनको भी टेस्ट करें। तो जैसे लक्ष्मण ने कहा, बिल्कुल सही कहा, कि वन डेज में आगे की सोच रहे, टी ट्वेंटी में आज की सोच रहे। टी ट्वेंटी की बात की हमने 2007 में, जब सीनियर्स खिलाड़ी ये कहकर नहीं गई थी ये फॉर्मेट उनके लिए नहीं है, लेकिन सर उल्टा हो रहा, आशीष नेहरा आए हैं, युवराज सिंह आए हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि फॉर्मेट परखने लगे हैं लोग, समझने लगे हैं, और लोगों को ये पता चलने लगा है कि टी ट्वेंटी 20-25 मिनट का खेल होता है, हालांकि मैच चलता है 120 ओवर 80 मिनट, लेकिन हर प्लेयर की भूमिका 20-25 मिनट की होती है। अगर आप आशीष नेहरा से 2 ओवर पहले 2 ओवर बाद में निकाल सकते हैं तो उनकी भूमिका बन गई, अगर युवराज 25 गेंदें खेलते हैं, 30 गेंदें खेलते हैं तो उनका रोल हो गया। ये अब हम समझने लगे हैं कि टी ट्वेंटी कैसे खेला जाता है, उन दिनों किसी को पता नहीं था। तो उन दिनों लोग कहते थे कि मैं आउट नहीं होऊंगा, क्योंकि वैसे ही खेलते आए थे। अब लोग परखने लगे हैं, समझने लगे हैं टी ट्वेंटी के बारे में। तो मुझे लगता है कि ये जो टीम सिलेक्ट की गई है, टी ट्वेंटी में आप आगे की नहीं सोचते, टी ट्वेंटी में आप ये नहीं सोचते कि 1.5 साल बाद क्या होगा। इसलिए मुझे ये जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए टी ट्वेंटी टीम पिक की गई, मुझे लगता है कि यही टीम ज्यादातर T20 वर्ल्ड कप तक ही खेलेगी। बस बात है, शुक्रिया, थैंक यू।